नमस्कार, glips.in में आपका स्वागत है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए पहले यूथ टेस्ट में श्रीलंकाई टीम को पारी और 21 रन से शिकस्त दी। विकेटकीपर बल्लेबाज निशान मधुष्क का शानदार शतक और मूवर नीरू फर्नांडो की 78 रन की पारी भी टीम के काम नहीं आ सकी। भारत ने मैच के चौथे और अंतिम दिन श्रीलंका को दूसरी पारी में 324 रन पर समेट दिया, जिससे वह मेहमान टीम की पहली पारी के स्कोर से 21 रन से पीछे रह गई। श्रीलंका ने अंतिम 7 विकेट गंवाकर महज 147 रन जोड़े। भारत के लिए मोहित चावड़ा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 72 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उन्हें आयुष बदोनी का सहयोग मिला, उन्होंने 2 विकेट झटके। वहीं महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने दूसरी पारी में भी 1 विकेट हासिल किया। हालांकि वह बल्लेबाजी के दौरान 13 रन जोड़े ही आउट हो गए। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 244 रन पर समेट दिया था। बदोनी और सलामी बल्लेबाज अथवारा टैडे के शतक की बदौलत 589 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 345 रन की बढ़ोतरी हासिल की थी। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से हम्बनटोटा में शुरू होगा। For more information, log on to www.glips.in.